so we have question here what shunt resistance must be connected across a galvanometer of 50 ohms resistance which gives full scale deflection with 2 ampere टू मिली एमपेयर करंट सो एज़ टू कन्वर्ट इट इन टू एम मीटर रेंज ऑफ टेन एम्पेयर सवाल यह है कि गेलवानो है जिसकी अपनी रेजिस्टेंस है फिफ्टी ओम्स यानी कि गेलवानो की रेजिस्टेंस है फिफ्टी ओम्स और वो मैक्सिमम करंट जो मेजर कर सकता है या फुल स्केल डिफ्लेक्शन जो करता है वो कितने पे करता है टू मिली एम्पेयर पर हमें उसको कन्वर्ट करना है एम मीटर में तो उसके लिए हमें कौन सी शंट रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड होगी फॉर कैल मेजरिंग टू बी टेन एम्पेयर टेन एम्पेयर तक जाने के लिए सो so, इसमें जो हमें गिवन है हम उसको मेंशन कर लेते हैं सबसे पहले गेलवानो की जो चीज़ें हैं उसको हम स्मॉल जी उसके नीचे लिखते हैं आर जी गेलवानोमीटर की रेजिस्टेंस है फिफ्टी ओम्स और साथ ही साथ जो उसका मैक्सिमम करंट वो मेजर कर सकता है या फुल स्केल डिफ्लेक्शन जो देता है वो कितने पे दे रहा है वो दे रहा है टू मिली एमपेयर पे मिली को हम कन्वर्ट कर लेंगे इट विल बी टू एक्सपोनेंट माइनस थ्री एम्पेयर और हमें यहाँ पे चाहिए कि आई इज इक्वल्स टू टेन एम्पेयर तक जाना है तो उसके लिए आर एस की वैल्यू जो है वो क्या होगी तो बड़ा इसका जो है वो फॉर्मूला गैल्वानोमीटर को एम मीटर बनाने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं शंट रेजिस्टेंस का वो होता है आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू आर जी सो वैल्यूज इसमें हम पुट करेंगे इट विल बी कितना है यहाँ पर हमारे पास आई जी टू एक्सपोनेंट माइनस थ्री आई इज़ टेन माइनस टू एक्सपोनेंट माइनस थ्री मल्टीप्लाई बाय आर जी इज़ फिफ्टी सो आर एस की वैल्यू जो हमारे पास आएगी इट विल बी ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो वन ओम्स तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा कि हमारे पास जो गैल्वानोमीटर है उसके साथ हमें ये रेजिस्टेंस जो है वो यूज़ करनी होगी आर एस की शंट रेजिस्टेंस की जीरो पॉइंट जीरो वन और ये बहुत ही स्मॉल जो है वो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है एंड दैट इज अवर आंसर